बेसिक लेवल से हम लोगों को इतना मैम उठाया गया, मतलब अगर हम बताएं तो फिजिक्स में वेक्टर्स वगैरह में भी मैम हमें प्रॉब्लम्स आती थी कभी कभी। 11th 12th में थोड़ा मैम ग्राफ मेरा नीचे गया क्योंकि मैथ स्ट्रीम लेनी थी। सेकेंड सेशन में मेरा स्कोर था 50%। बहुत डिप्रेस हो गया था मैम कि पापा मम्मी के लिए मैम करना था और मोशन के सपोर्ट से सब पॉसिबल हो पाया था। मेरी जयपुर में एक मासी रहती हैं, जब मेरे पापा की तबीयत खराब हुई तो उन्होंने ये कहा कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ के रहूँगी। मैम उनका मेरे लाइफ में बहुत, कहते हैं सफलता उन्हीं को मिलती है जो विपरीत हालात में गिव अप नहीं करते और लगातार मेहनत करते रहते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं। हमारे साथ शिवांग है जो अपनी कहानी आपसे शेयर करेंगे। शिवांग सबसे पहले स्वागत है आपका। शिवांग शुरू से शुरू करते हैं, हमें बताइए कहाँ से हैं आप और घर में कैसा माहौल है, पेरेंट्स क्या करते हैं? मैम मैं बेसिकली यूपी मिर्जापुर से हूँ। ओके, माय फादर इज अ बिजनेसमैन एंड मेरी मदर मैम एक हाउसमेकर हैं। ओके, अच्छा शिवांग एक ड्रॉपर भी हैं जो कि बहुत सारे ड्रॉपर्स के लिए इंस्पिरेशन होना चाहते हैं, खासकर उनके लिए जो कि मेहनत करना चाहते हैं लगातार, है ना, जो डिटरमाइन है अपने माइंड में कि कुछ करना है चाहे वो कोई भी लक्ष्य हो उनका। पहले ये बताइए, आपने जेई की पहले भी प्रिपरेशन की थी, क्या कमी रही, क्या परसेंटाइल था और अभी जो आपने अचीव किया उसके बारे में? मैम मेरी जो मतलब पहले की प्रिपरेशन थी मैम वो एक स्कूल लेवल की प्रिपरेशन थी। सीबीएसई स्कूल से मैम मैं पढ़ा हुआ हूँ तो वहाँ पे जो लोकल कोचिंग्स वगैरह थी मैम मैं उनसे अपनी पढ़ाई करता था। मुझे इतना मैम बाहर का वो नहीं पता था कि इतने बड़े बड़े कोचिंग्स होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी फैकल्टीज होती हैं। तो उसके बाद मैम क्लास 12th के लास्ट में मैम जब मतलब रिजल्ट आया उसके बाद मुझे एमवी सर का पता चला। और मैम मोशन का सिलेक्शन रेशियो मैम जो था वो बेस्ट था इन टर्म्स ऑफ ड्रॉपर्स। तो मैम मैंने अपने पेरेंट्स से बोला तो उन्होंने कहा ठीक है अगर तुम जाना चाहते हो देन यू कैन गो अहेड। तो फिर पापा मम्मा और मेरी मैम मासी वो जयपुर में रहती हैं, उन्होंने लेके मैम मुझे यहाँ पे आया 13th अप्रैल 2023। तो मैम मैं यहाँ पे इनरोल्ड हुआ। उसके बाद मैम मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। अप्रैल मई जून जुलाई मैम क्लासेस चलती रही। मैम मतलब एक इतने बेसिक लेवल से उठ के हम लोगों को इतना मैम उठाया गया कि मैम मतलब अगर हम बताएं तो फिजिक्स में वेक्टर्स वगैरह में भी मैम हमें प्रॉब्लम्स आती थी कभी कभी। पर हम सीनियर फैकल्टी से भी पूछते थे तो मैम वो मतलब कभी भी ये नहीं बोले कि आप इतना मतलब बेसिक डाउट क्यों हमसे पूछ रहे हैं। वो वैसे ही बताते थे हमें जैसे वो सबको बताते थे। तो मैम वो सब चीजें ने एक मैम बहुत बड़ा रोल मैम प्ले किया। जी ये बताइए शिवांग, जब आप यहाँ आए थोड़ा इसके बारे में और भी आगे बात करेंगे क्योंकि एक जर्नी सेम सी नहीं रहती है कोई भी स्टूडेंट, स्पेशली जब आप किसी दूसरे शहर से आते हैं। लेकिन उससे पहले ये बताइए आप बचपन में कैसे स्टूडेंट थे, वही स्टूडियस या फिर बाद में पिकअप किया? बचपन में तो मैम स्टूडियस ही रहे थे क्लास 10 तक। 11th 12th में थोड़ा मैम ग्राफ मेरा नीचे गया क्योंकि मैथ स्ट्रीम ले ली थी। 11th 12th में थोड़ा ग्राफ नीचे गया। फिर मैम 12th में मुझे ये फील हुआ कि ये मेरा मतलब पोटेंशियल नहीं है, आई कैन डू समथिंग बेटर। और मेरे पापा हमेशा एक बात बोलते थे कि इफ विशेस वर हॉर्सेस बेगर्स वुड राइड। मैम अगर आप सिर्फ हर चीज के बारे में सोच रहे हो कि ये मेरी चीज हो जाएगी एंड यू आर नॉट मतलब उसके लिए आप हार्डवर्क नहीं दे रहे हो तो वो चीज नहीं हो सकती कभी लाइफ में। तो मुझे उस पॉइंट पे ये मतलब मैम रियलाइज हुआ कि ये मेरा पोटेंशियल नहीं है, आई कैन डू समथिंग मच मच बेटर देन दिस। शिवांग ये बताइए जब आप तैयारी कर रहे थे, 12th के साथ था, आपने एग्जाम दिया था, तो उसके बारे में बताइए क्या मार्क्स स्कोर किए थे और कितना डिफरेंस? जेई में? हाँ मैम जेई में जब मैंने फर्स्ट सेशन तो मैम मैंने दिया ही नहीं था। मैम डर के वजह से मतलब जेई इतना बड़ा एग्जाम लगता था कि मैम मुझे तो लगता था कि मैं उसको कभी दे ही नहीं सकता। मैं एग्जाम में भी नहीं मतलब बैठने के खुद को कैपेबल समझता था। सेकेंड सेशन में मैम मेरे पेरेंट्स ने बोला कि एक बार आप ट्राई करो देखो क्या आता है। मैम सेकंड सेशन में मेरा स्कोर था 50% ओवरऑल। मैम मेरा 50% था। बहुत डिप्रेस हो गया था मैम कि मतलब क्या हो रहा है ये। और उसी के बाद मैम जैसे आया रिजल्ट उसके बाद सर के वीडियोस आना शुरू हुए एनवी सर के कि अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हो तो आप आ सकते हो। उसके बाद मैम मैंने एनरोल किया मोशन से और फिर सारी जर्नी आपके सामने। इनिशियली आपने बताया जब आप आए कोई भी डाउट पूछते थे तो हमेशा फैकल्टी रेडी रहती थी, लेकिन जब आप आए थे यहाँ मिर्ज़ापुर से कुछ दिक्कतें भी आई थी रहने को लेके, पढ़ाई को पिकअप करने को लेके और समझने को लेके? मैम फर्स्ट डे ऑफ क्लास से मैम मोशन मतलब हमें सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ जो हमारी एक मतलब ओवरऑल मैम ग्रूमिंग होती है उसे भी मैम किया मोशन ने।
मतलब फर्स्ट डे जब हमारी एनवी सर से क्लास हुई तो सर ने हमको पहले इंस्ट्रक्शंस मैम मतलब बताया था कि यहाँ का हार्ड वाटर है और आपको क्या चीजें खानी है क्या चीजें नहीं खानी है, थोड़ा आप बच के रहना, आपका जो फ्रेंड सर्कल है जो आपका पीयर ग्रुप है वो कैसा होना चाहिए, आपके दोस्त कैसे होने चाहिए, आपके मतलब लोग कैसे होने चाहिए। और घर का क्या माहौल है, लाइक पेरेंट्स ने आपने बोला आपको ड्रॉप लेना है या यहाँ पढ़ाई करनी है, दे अग्रीड, घर में बहन भी है आपने जैसे बताया था ऑफ द रिकॉर्ड, तो सबका किस तरह का सपोर्ट मिला जब आपने ये बोला और थ्रू आउट भी आपकी जर्नी? मैम सबका सपोर्ट तो बहुत मिला पर किसी को मैम इतना एक्सपेक्टेशंस नहीं थी क्योंकि मैम 12th के साथ जो मेरे थे परसेंटाइल इतना बड़ा जंप ना मैम पहले किसी ने सुना था ना देखा था। तो सबको यही था कि ठीक है इफ यू वांट टू गो देन यू कैन गो बट अपना 100% देना और बाकी फिर जो होगा हमें एंड वी आर बिहाइंड यू। बस उनका यही कहना था कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम अपना बेस्ट दो। और इंजीनियरिंग करने का कब सोचा था, इंजीनियर ही बनना था या बचपन में कुछ और? इंजीनियरिंग का तो मैम बचपन से था, पापा आरसी कार लाते थे तो उसको खोल के तोड़ना फोड़ना और सब चीजें मैम, वो तो स्टार्टिंग से था कि मुझे मैथ्स लेना है और इंजीनियर ही बनना है। तो फिर जेई का जब फर्स्ट अटेम्प्ट था सेशन 1 नहीं दिया, डर क्यों लगा था, क्या थॉट चल रहे थे दिमाग में? मैम उस लेवल की प्रिपरेशन ही नहीं, अच्छा प्रिपेयर नहीं थे इसलिए डर। हाँ मैम और लोग मतलब YouTube वगैरह में मैम इतनी चीजें फेक आती है, मतलब एक जेई का टैबू बन चुका था कि दैट इट इज अ वेरी क्रूशियल एग्जाम्स और ये सिर्फ उनके लिए है, 2 साल हुआ टॉपर्स और जो स्टार्टिंग से जो क्लास 9-10 से जाके पढ़ते हैं कोटा में सिर्फ उनका ही सिलेक्शन होता है। मैम ये चीजें फेक है, इफ यू हैव दैट विल यू कैन डू एनीथिंग। ओके ओके, और प्रिपरेशन करने के बाद में आपको लगा कि अचीव कर सकते हैं? अच्छा इंजीनियर मतलब पहले से बनना चाहते थे। शिवांग यहाँ पर जब क्लासेस कर रहे थे उस दौरान आप पूरा क्लासेस अटेंड करते थे, कभी बैकलॉग रहा या प्रिपरेशन नहीं कर पाए ऐसा कभी? मैम बीच में सितंबर अक्टूबर मैम मेरे फादर की थोड़ी मैम मतलब मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं थी, उसकी वजह से मैम मेरा 2 महीने मैम मैं पूरा कंप्लीट घर में था और 2 महीने मैम मैंने बुक कॉपीज कुछ भी मैम मतलब एक बुक भी मैंने मैम टच नहीं की 2 महीने। और उसके बाद पेरेंट्स का ये था कि अब जब 2 महीने का हो गया है बैकलॉग तो ये तो वे टू इम्पॉसिबल है कि तुम अब जाओ और एग्जाम क्लियर करो। तुम जाना चाहते हो तुम जा सकते हो पर अब इट्स वे टू इम्पॉसिबल कि तुम एक एग्जाम क्लियर करो वो भी जेई लेवल का। तो फिर कैसे वापस आना? पापा ने कहा कि ठीक है तुम जाना चाहते हो तुम चले जाओ। मैम मैं यहाँ आया फर्स्ट डे मैम मेरी मदर ने फोन किया था, काउंसलर जो थे मोशन के उन्होंने फोन किया, मैम ने मुझे बुलाया था कोटा टू कैंपस में। मैम ने मुझसे पूछा कि क्या क्या बैकलॉग वगैरह है, क्या चीजें कैसे हैं। इस दौरान बीच में आपको रोकना चाहूंगी, जब आप थे 2 महीने तक तो इस दौरान क्या संस्थान से मोशन से कोई आपको कॉल आया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं या आने के लिए? मैम जो स्टार्टिंग टेस्ट थे मोशन के तो मैम उसमें मैं बहुत अच्छा कर रहा था। तो बीच में मैम जब मैं घर मैम मुझे गए हुए 5-6 दिन हो गए थे तो फोन आया कि मैम मतलब आपका जो वार्ड है वो एब्सेंट चल रहा है। तो पापा ने सारी कंडीशंस बताई कि मैम ऐसी मतलब है कंडीशन। उसके बाद फिर फोन आया 10 दिन बाद कि नहीं तो चाइल्ड हैज दैट पोटेंशियल और आप उसको भेजिए दोबारा। पापा ने सबसे पूछा कि क्या करना है क्या नहीं करना है तो मम्मी ने बोला जाने दो, पर पापा का ये था कि नहीं ठीक है अब जब इतना टाइम हो गया वो कैसे करेगा, वहाँ के जो बच्चे हैं वो उससे बहुत आगे निकल चुके हैं, अब वो जाएगा वहाँ उनको देखेगा उसको लगे मैं इतना पीछे हो गया हूँ कि मैं कवर नहीं कर सकता तो एक बहुत बैड मतलब इम्पैक्ट उसके ऊपर जाएगा। तो अब उसको मत भेजो, पर मम्मी का था कि नहीं मुझे भेजना है मुझे भेजना है। मम्मी ने भेजा और फिर मम्मी ने काउंसलर से बात की। मैम ने एक एक टीचर मतलब जो मैम लिस्ट होती है टीचर्स की वो दी कि आप उनसे मतलब कॉन्टेक्ट कर सकते हो और ये इनका डीसी का टाइम है आप उनसे जाके कर सकते हो। तो मैम मुझे इंडिविजुअल चैप्टर्स भी मैम डीसी में बैठ के सर ने मैम पढ़ाए कि उनका था कि नहीं आप अगर आप पढ़ना चाहते हो देन वी आर रेडी। तो यू आल्सो वांटेड टू कम बैक या फिर पेरेंट्स चाहते थे कि अब चले ही जाओ 2 महीने बाद? मेरा 50-50 था। मेरा ये था कि मैं हार्ड वर्क करने को पापा मम्मी होते यार पर अब मुझे नहीं लगता कि हो पाए मैम क्योंकि इतना बैकलॉग, एक तो ड्रॉप ईयर मैम 11-12 का कंप्लीट सिलेबस बेसिक्स एकदम हिली हुई थी मैम, मुझे तो था कि अभी नहीं हो पाएगा पर टीचर ने 1-to-1 सामने बैठ के पूरे पूरे चैप्टर समझाए हैं कि ऐसे हैं इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे ऐसे हैं ये चीजें आपको पढ़नी है ये थ्योरी पढ़नी है ये बुक्स लगानी है। तो मैम मोशन वॉज वेरी सपोर्टिव इन दिस मैनर।
तो मोटिवेट कैसे किया खुद को, क्योंकि ये तो सिर्फ ये नहीं है कि आपको कुछ थोड़ा सा आप बीमार हुए, 5-6 दिन नहीं गए, बैकलॉग थोड़ा कवर कर लिया, ऐप पे देख लिया, ये तो एक पूरा 2 महीने का बैकलॉग भी था और एक कहीं ना कहीं अंदर ये भी डर रहता है कि बहुत पीछे रह गए हैं, तो वापस आकर भी और उसके बाद भी फर्दर स्टडी के लिए 96% आपने स्कोर किया, जो वो कैसे हो पाया, क्या मोटिवेशन रहा था? मेरी मदर मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन थी, उन्हें स्टार्टिंग से था कि मतलब तुम्हें कुछ ना कुछ करना और अपने घर का नाम रोशन करना। मैं मतलब मैं जहाँ पे पढ़ता था वहाँ पे सामने अपनी फैमिली की फोटो मैंने लगा के रखी हुई थी, पापा मम्मी के लिए मैम करना था और मोशन की सपोर्ट से सब पॉसिबल हो पाया। ओके ओके। और टेस्ट यहाँ पे जो होते थे, आप टेस्ट रेगुलरली देते थे? टेस्ट मैं देता था। वो हेल्प करते थे आपको इम्प्रूव करने में? मैम हेल्प करते थे आपकी मतलब मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने के लिए, आप कहाँ कहाँ चूक रहे हो वो आपको मैम बताने के लिए। ओके, तो टेस्ट वाज वेरी हेल्पफुल। ओके, जो आपने खुद ने प्रिपरेशन की और बाद में जब आपने मोशन में एडमिशन लिया यहाँ पे प्रिपरेशन की, क्या डिफरेंस लगता है, क्या गलतियाँ की थी पहले जो इस बार आपने सोचा कि अभी ध्यान में रखना है, नहीं रिपीट करना? पहले गलती तो मैम ये थी कि मतलब मुझे उस लेवल का मैम कंटेंट नहीं मिला, और ऑनलाइन वगैरह में मैम क्या होता था कि आपको लेक्चर्स तो बहुत अच्छे से मैम समझ आते थे, पर जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाओ तो उसको एग्जीक्यूट कहाँ करना है वो समझ नहीं आता था। और यहाँ हमें ये सिखाया गया है कि ये एक मतलब कॉम्पिटेटिव पेपर है, आप थ्योरी रट लो, डेफिनेशंस रट लो, उससे आपको नहीं होगा, आपको यहाँ हमें मैम क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया गया है। मैम टीचर सामने जो हम लोगों को डीपीपीज मिलती थी, अगर एक भी मैम डाउट हो तो मैम टीचर्स पूरी पूरी डीपीपी को फिर से सॉल्व करते थे हमारे सामने बोर्ड में, तो मैम वो सब चीजें बहुत हेल्पफुल रही। ओके, और आपकी खुद की क्या स्ट्रेटेजी थी जब आप यहाँ पे आए थे और जितना भी प्रेपरेशन आपने जब भी की ब्रेक के बाद भी, तो एक तो शेड्यूल आपका की मॉर्निंग टू इवनिंग क्लासेस के पहले बाद में क्या रहता था? मैम एनवी सर का एक स्ट्रेटेजी वीडियो था YouTube पे मैम पढ़ा हुआ था, उसको मैंने एकदम मतलब कॉपी पेस्ट कर लिया था कि इफ यू आर अ ड्रॉपर तो आपको यही फॉलो करना है। और जो 2 महीने का बीच में गैप हो गया था तो मैम उसने मैंने वर्क टाइम थोड़ा और ऐड कर दिया था, जैसे सर कहते थे कि 10 घंटा पढ़ना है तो मैंने उसको 12 घंटे कर दिए थे, तो उन सब चीजों से मैम वो हो पाया, क्योंकि मैम मैं अपनी स्ट्रेटेजी खुद लगाता वो एक मतलब हिट एंड ट्रायल हो जाता, और सिर्फ मेरे पास 1 साल था तो मैं हिट एंड ट्रायल मतलब वो नहीं करना चाहता था कि हुआ, अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो इसलिए मैम मैंने जो सर की थी स्ट्रेटेजी उसको फॉलो किया, उनकी स्ट्रेटेजी तो एकदम बुलसाई पे लगनी थी, इसीलिए हो पाया। और इस दौरान टीम का कितना, जितने भी पूरी फैकल्टी है उन सब से कैसा इंटरेक्शन रहा, डाउट काउंटर्स कितने हेल्पफुल रहे? मैम फैकल्टी का तो बहुत अच्छा रहा, मैम मतलब जब हम लोग क्लास 12th में थे तो हम लोग सुनते थे जीपी सर, गणेश भारद्वाज, मनीष सर, तो उनको लगता था कि हम इनके सामने तो मतलब खड़े भी नहीं हो सकते, पर जब उनके सामने एक बेसिक सवाल भी पूछने जाते थे वो ऐसे मतलब बताते थे कि जैसे हमारे एक मतलब मैम ट्यूशन टीचर हो जो हमें बचपन से गाइड कर रहा हो, वो वैसे हमें बताते थे चीजों को कि मतलब एक एक चीजों को तोड़ तोड़ के एक चेन वाइज मतलब मैम मोशन ने एक एक चेन जोड़ी है, मतलब कि स्टार्टिंग से फ्रॉम द एंड एक एक चेन जोड़ के मैम हाथ में देते थे। बहुत सारे ड्रॉपर्स भी आपको देख रहे होंगे, फ्रेशर्स भी जो आना चाहते हैं, ड्रॉपर्स को क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि आपने तो इतना फ्लक्चुएशन भी देखा, आपकी स्टडी भी डिस्टर्ब हुई बट स्टिल यू मेड इट, है ना, इतने अच्छे आपने स्कोर किया, तो क्या ध्यान में रखनी चाहिए चीज़ें जो आपको लगता है कि आपके लिए भी वर्क की है, इट कैन वर्क फॉर अदर ड्रॉपर्स? मैम जो ड्रॉपर्स हैं अगर उनकी मैम थ्योरी प्रिपेयर है तो उन्हें क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और फिजिक्स और मैथ्स को उन्हें एज कम्पेयर टू केमिस्ट्री टाइम ज़्यादा दें, क्योंकि केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं याद करने की चीजें होती हैं केमिस्ट्री में, तो आप एट द लास्ट अगर आपके मगब पावर अच्छी है तो एट द लास्ट आप उसको स्ट्रेच कर सकते हो केमिस्ट्री को, पर फिजिक्स और मैथ्स एक बार छूट गया तो फिर आप उसे कभी नहीं पकड़ सकते, क्योंकि मैम जैसे फंक्शंस है, एक चैप्टर फंक्शन है, आपका वो छूटा तो आपकी पूरी कैलकुलस गई, आप एक सवाल नहीं टेस्ट कर सकते कैलकुलस से, तो वो एक चेन बंधी हुई है। मैथ्स और फिजिक्स आपको स्टार्टिंग से लेके चलना है, और केमिस्ट्री के लिए एट द लास्ट आप अगर करना चाहते हो तो वो हो जाता है, केमिस्ट्री मतलब करके हो जाती है। ओके, और आपको क्या लगता है शिवांग की, जैसे आपका बीच में जो भी पीरियड रहा 2 मंथ्स का, फिर भी आप जो भी अचीव कर पाए, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से ये हो पाया, व्हिच आर द फैक्टर्स आपको लगता है? सबसे बड़ा एंड द फोरमोस्ट फैक्टर इज एनवी सर, अगर वो नहीं होते तो शायद आज मैं यहाँ आपके सामने भी ना बैठा होता, तो एनवी सर मतलब हर स्टेप में मतलब उन्होंने मैम वो भगवान स्वरूप थे, इतना कोई नहीं करता किसी के लिए, अगर हम लोग उनसे मिलना चाहते थे तो मैम उनसे
मिल भी लेते थे और उन्होंने कभी ये नहीं दिखाया कि मेरी इतनी बड़ी कोचिंग है, मैं इतना बड़ा टीचर हूँ, मैं एचओडी हूँ। उन्होंने मैम कभी नहीं दिखाया ऐसा। हम उनसे मिलते थे तो जैसे वो अपने बेटे से मिलते होंगे वैसे वो हम लोग से मिलते थे। एक एक डाउट बताना, एक एक चीजें बताना, आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, हर एक चीज। ओके, और यहाँ पे आपकी जर्नी कैसी रही कोटा में, जितने भी आप रहे, फ्रेंड्स बने, उनको लेके क्या मेमोरीज है और क्या चीजें हमेशा याद रखेंगे? मैम फ्रेंड्स के लिए तो हम लोग को फर्स्ट डे से मैम आरके सर ने बताया था कि दैट द बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक्स टुगेदर। आपकी संगत जैसी होगी आप वैसे ही हो जाओगे। तो मैम जो हमारा पीयर ग्रुप था वो बहुत अच्छा था मैम। मेरा फ्रेंड ऋषभ था, आयुष, देवांग मैम, वो हमारा ग्रुप बहुत अच्छा था, पीयर ग्रुप। हमेशा पढ़ाई की बातें होना और कभी हंसी मजाक भी होता था मैम, मतलब ऐसी बात नहीं, क्योंकि आप हर टाइम सिर्फ पढ़ पढ़ के आप वो नहीं रह सकते, तो हर चीजें होती थी, बैलेंस स्टडी होती थी। तो ये चीजें आप हमेशा आगे भी याद रखो। हाँ, और ये बताइए शिवांग, अंत में सभी जो भी इंजीनियर बनना चाहते हैं, जैसे आप बचपन से बनना चाहते थे, उनके लिए और स्पेसिफिकली ड्रॉपर्स के लिए भी, इट कैन बी अ कॉमन मैसेज, क्या कहना चाहेंगे कि जब आए या फिर जब भी प्रेपरेशन करें तो क्या चीज़ें विच शुड बी योर माइंडसेट, और क्या माइंडसेट लेके और साथ में क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग? मैम माइंडसेट तो सबसे पहले उनका ये होना चाहिए कि उन्हें कभी भी अपने आप को वीक नहीं समझना है। अगर मैं अपने आप को एक वीक समझा होता तो आज मैं कहीं से प्राइवेट बीटेक कर रहा होता। तो मैम अपने आप को वीक नहीं समझना चाहिए, आपके बेसिक्स कितने भी हिले हुए हैं। मैं और कोचिंग्स का तो वो नहीं जानता, पर अगर आपके बेसिक्स हिले हुए हैं और आप ड्रॉप लेना चाहते हो, मोशन इज द बेस्ट। अगर आपको लेना है तो सिर्फ आप मतलब मोशन से लो और सारी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स सारी यहाँ पे सॉल्व होती है। चलिए, एनीथिंग एल्स, कोई ऐसे लोग हैं जिसको आप मेंशन करना चाहते हैं या कुछ और चीज है जो आप शेयर करना चाहते हैं? मैम मेरी फैमिली बहुत हेल्पफुल रही मैम। मेरी जयपुर में एक मासी रहती हैं, जब मेरे पापा की मैम मतलब तबीयत खराब हुई तो उन्होंने ये कहा कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ के रहूंगी, और मैम उनका मेरे लाइफ में बहुत वो रही आपके साथ में। हाँ, वो रही थी। दस दिन वो मेरे साथ रही थी जब मुझे ये पता चला था कि बहुत पापा की तबीयत खराब है, मेरी पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं हो पाई थी। मैम वो थी मेरे साथ, फिर वही मुझे मिर्जापुर लेके गई, फिर वही मुझे वापस लेके आई कोटा। क्या नाम है मासी का? मैम सुनीता। और क्या करती है मासी? मैम वो हाउसवाइफ है, हॉस्टल चलता है। कुछ कहना है मासी को अगर आपको? थैंक यू मासी फॉर एवरीथिंग फॉर माय लाइफ, थैंक यू। चलिए, और एडवांस की तैयारी कैसी चल रही है? मैम एडवांस की तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, अब फिर बाकी जो हो गई सर की जो भी स्ट्रेटेजीज है उसे फॉलो करना है। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट, वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड वी होप कि यू डू वेल, यू एक्सेल इन लाइफ ना। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग।